और गाइस इधर चल रही है शॉट, शॉट की तैयारी, शॉट बना रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह गाइस, आई होप यू आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गाइस मस्ती फुल ऑन, आज संडे है तो इसकी मस्ती शुरू रहेगी। और स्वागत गाइस, मेरी मम्मी चावल बना रही है। चावल बना रही है? है मनी, क्या है आज क्या बनेगा? पोए। पोए नहीं, चावल बनेंगे। हाँ। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में, प्यारे से ब्लॉग में। काफी दिन से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, तो गाइस अभी देख लेते हैं कि शबनम के वो जो अभी दिब्बा कह रही थी ना उन्नति के पोए बन रहे, तो पोए ही बन रहे। देखो पोए, ये लो पोए तैयार है अब खाने के लिए। खाने के लिए भी हम तैयार हैं, इनको खाने वाले हैं हम। गाइस मुझे खाने वाला है। अच्छा, ये भी खाने वाली है। हाँ। और गाइस यहाँ पे आई थी अभी स्पेलर मशीन, जिससे कि तिल का तेल, तिल का तेल लेके आया हूँ मैं। देखो ये सर्दी में बहुत अच्छा रहता है तिल का तेल, और इसका चूरमा और बनाए तो बहुत ही शानदार बनता है, एकदम शुद्ध है। मम्मी पापा दिखाना। बेटा आप नहीं जानते इसको? क्यों, आप क्या जानते हो इसको? हेलो दोस्तों, और अब मैंने बना लिए पोहे और मैं खा लेती हूँ पोहे। देखते हैं दोस्तों, ओ पता नहीं आए अपने, मतलब दोनों भाई बेटी अपनी प्लेटों को लेके कहाँ चले गए। पहले तो बोल रहे थे कि छत पे जा रही है, अब देखती हूँ। और मेरी प्लेट को कहाँ, यहाँ फ्रिज पे रख के छोड़ गए हैं, और देखती हूँ दोस्तों कहाँ है। हेलो, और ये दोनों छत पे बैठे हुए हैं और मेरी प्लेट को नीचे ही छोड़ के आ गए हैं। हम मिल जाएगा तुम्हें क्या है? ऊपर आ गए और क्या, ऊपर धूप थी ना तो सही है, खाने का मजा भी आता है। ओ गाइस ये दे रहे हैं, एवरेज दे रहे हैं देखो खाने में। ओहो दोस्तों, इन लोगों को नहीं लग रही सर्दी है क्या? हम तो धूप में खड़े हैं, मैं वो टी शर्ट में, और मेरे को तो इतनी सर्दी लग रही है। हाँ, तो ज्यादा तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगती कुछ? लगती गाइस, हमने तो पेड़ों को बचाने के लिए भी कुछ व्यवस्था कर रखी है। देखो मैं बताता हूँ, ये बताई थी अभी आपको, ये देखो इंद्रधनुष हाउस है, रेनबो हाउस है हमारा, उसमें पानी दे दिया और बढ़िया हरी हो गई सब्जी, मोर आने का खतरा भी टल गया है। तो देसी सब्जी खाएंगे, शुद्ध ऑर्गेनिक। और गाइस ये हमारे यहाँ का आउटर व्यू है, ये देखो, ये पीछे का, ये देखो आप, ये रेत के धोरे हैं पीछे। और यहाँ पे क्या, ये हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी में रहते हैं हम। आगे हमने फूल के पौधे लगा रखे थे जो सर्दी की वजह से परेशान है। ये हमारा मेन गेट, सुन रहे हो ना आप आवाज, ऐसे आते हैं यहाँ पे सब्जी फल गुड़ बेचने वाले लोग। ये देखो गाइस, ये देखो ये क्या कर रही है, देख यार कैसे खाने का, आजकल के बच्चे देख कितने फनी शरारती होते हैं। ये देखो झूलने का मजा ले रही है साथ। क्या जी अच्छा जी, खा लो बेटा ढंग से खा लो। मुझे वो पैर कहाँ लटक रहे इसके भाई, ये भी तगड़ी चीज है, बहुत ही शरारत करती है तू यार। क्या लग रहे खट्टे दही की वजह से? नहीं लगती। और ये देखो दे दिया एवरेज, ये क्या गाइस, उन्नति सुनाने वाली है आपको एक अच्छा सा गाना, लगाओ है ना, लगाओ भाई अभी गाता हूं। और देखो अभी तो मूड बनेगा इसका गाने का, तो बन गया तो गा देगी, नहीं तो नहीं है। हाँ। कौन सा गाना है? बचपन का प्यार मेरा वो नहीं जाना रे, जैसे मेरा प्यार है जान तुझे जिया है आगे।
ओ भाई साहब, मैं तो इतनी बड़ी कांट इमेजिन, तो कोई गाना ही नहीं आता, और ये अभी ये छोटी सी है, मतलब कोई कोई गाने को तो पूरा कुबा देती है। वाइल्ड, कहाँ से सीखते हो आप? इनके पापा पे गई है, इनके पापा तो मैं तो सब सारी चीजें आती है, गाने वगैरह। मैं तो ऐसे, हम तो सुन शौकीन है तो सुनने के, तेरी तरह थोड़ी है जो वहाँ कुछ सीखा ही नहीं है गाने वाने। हाँ या हम कोई बेइज्जती थोड़ी है, तेरा नहीं है किसी को शौक गाने सुनने का, तो ये तो आपकी प्रशंसा ही है, बेइज्जती नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं है गाने सुनना पसंद, आपको पसंद है और मुझे बहुत पसंद है, बाग बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तो यार जख्मी सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। हैं, हाँ, अब ये कोई ऐसा ऐसा वैसा मैटर भी नहीं है कि भाई जख्मी सॉन्ग क्यों पसंद है, बट ये है कि अच्छे लगते हैं, उनकी टून धुन अच्छी रहती है, और तो हंस रही है, इसका मतलब कुछ कहना चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों हंस रही? क्यों पता नहीं दोस्तों, हमारे से पहले कहीं जख्मी रहेंगे, जख्मी तो एक आध जख्म होता शरीर पे, जख्म तो है ही नहीं है, अंदर के जख्म दिखते नहीं है किसी को। अंदर के जख्म कुछ नहीं है हमारे, सब बिल्कुल। और गाइस अब मैं चल देता हूँ नहाने, नाश्ता वास्ता कर लिया, अब नहा लेते हैं। आ जाओ तो आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो गीजर ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बिना गीजर के नहाया नहीं जाएगा, बहुत सर्दी पड़ती है। ये पियालो गीजर हो गया ऑन, और अब हम यहाँ पे नहाएंगे। ये भी अभी नहाना, नहाना है ना आपको? ऊपर ही रह गई। ऊपर रहने दो, आपको नहाना है ना? हाँ। बिना नहा के चल जाती है आजकल स्कूल तू, है ना? अब नहाना होगा, और इधर से ये भी आ गई। नाश्ता में एवरेज देखे, नाश्ता में एवरेज देखे, सब चीजें माई छोड़ा है, सबको समेट लाना पड़ा। और गृहिणी का मतलब यही होता है, बहुत सब कुछ देख के चलना। और ये उन्नति का डायग्राम देखो कैसा बनाया, पेड़ उन्नति, तो ये मैंने इसको सिखाया था और ये ऐसा बना दिया इसने, बड़ा ही शानदार। ये तो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है भाई, और ये इस पे से पढ़ती है। तो गाइज ये सिखाने वाली हैं आपको 1 to 10, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बात, अरे आपने तो बना दिया, आपको तो बहुत अच्छा लगता है बोर्ड पे पढ़ना, है ना? एक तरीका बताता हूँ। क्या बताओगी? ABCD। अच्छा बताओ तो। लो भाई साथ में ABCD भी बताएगी अभी। क्या बी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऊपर के वर्ड के बेटा यहाँ लिख लो अब इधर एन, हाँ एन, हाँ ओ पी, कहाँ लिखी जा रही है ना? P Q, और ये छोटी वाली बना दी Q, यहाँ लिखो यहाँ नीचे नीचे बेटा यहाँ लिख दो, अब यहाँ से शुरू कर दो Q Q सही नहीं बनाया बेटा हैं Q R S T U B W X Y Z। गाइस आज इसने बिल्कुल, मतलब इसका मूड बढ़ता है ना तब ये पूरा लिख देती है, नहीं ये नहीं लिखने वाली कुछ भी। भाई जी यार कितनी वो है, मतलब ये है ना बहुत तेज है भाई।
इसको मैं किताब कॉपी लेके बैठता हूँ ना तो इसको बहुत सारा परेशान करती है भाई जी, ये बिल्कुल ही नहीं लिखती, मूड ही नहीं है पापा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। और अब देखो इस बोर्ड पे सब कुछ परफॉर्म कर देती है, तो इसका मतलब इसको ऐसा बोर्ड लाना पड़ेगा और छोटा वाला जो ये पढ़ सके आराम से, है ना। नीचे लगा दूंगी इसको। हाँ तो बेटा अच्छा लगता है आपको बोर्ड पे पढ़ना, अच्छा लगता है, है? उन्नति आज बहुत खुशी हो रही है देख के, है ना। ओ भाई साहब गाइस अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया इसने, तो ऐसे बोलती है ना? कुछ बोलता है क्या, ये लिखो, इसको कैसे लिखूं? इसको कैसे लिखूं, मेरे से नहीं आता। भाई साहब मान गए भाई दिव्वा, थैंक यू बेटे, ये देखो कैसे पढ़ती है। गाइस ये समोसा बचा था थोड़ा सा दिव्वा का, तो इसके लिए ले चलता हूँ, इससे तो मैं कहूँगा मैंने कभी खाया तेरे लिए, तो इसको प्रैंक करते हैं। देखो ले मैं तेरे लिए समोसा लाया, ले समोसा लाया मैं तेरे लिए। आपने खा लिया? ओ नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने आधा छोड़ दिया तेरे लिए। क्या मैं यूँ कह रहा हूँ कि मुझे समोसा चाहिए जैसे? नहीं मैं नहीं लाया, मैंने नहीं खाया, मैं तेरे लिए ले आया, क्या करूँ तुम्हें। आप खा ला आपके बटके। नहीं नहीं मैं तो आज खा लूंगा। नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं, आधा मैंने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खा लो। नहीं 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 मैं नहीं खा सकता, आप खा लो, आपके लिए लाया हूँ। तो आप खुद के वट के वो कुलिया उठे? हाँ नहीं हम खुद खा रहे, यही तो बात है ना, बॉन्डिंग है ये, ऐसा लगे नहीं वो आप वैसे तेरे को है। नहीं 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 खा वो कुलिया। हाँ ऐसे ही है, ये तेरे लिए लाया हूँ, मैंने नहीं खाया है ना। आधे खा ले आप, आधे आधे। नहीं नहीं मैंने खा लेना। ना 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 मैं भी नहीं खाऊँ, खुद के वट के खुद खाऊँ। नहीं नहीं आपके लिए था। मैं तो तेरे लिए लाया हूँ ना, तो आपके बट गए तो आपको खाना चाहिए ना। नहीं नहीं तेरे लिए भी तो आया हूँ, लाना बनता है ना फर्ज। अच्छा तो खुद नहीं खा रही है तेरे लिए, अलग से मंगवा दी हो तो वो ध्यान भूल गए, इसलिए अब मैं तेरे लिए आया ना मेरे बट का। नहीं नहीं मैंने खा लिया, तू खा ले, मैं तो तेरे लिए लाया था ये। आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरे लिए लाया था? नहीं तो वो तो चल रहा है, ब्लॉगिंग चल रही है। खा रहा आप कोई तेज़? नहीं 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 मैं नहीं नहीं मेरा नहीं है। लो गाइस पूरा खा गई, ये तो दिव्या का था, मैं तो मेरा खा लिया भाई। तो मैं बहुत लड़ रहा था उसे कह रहे थे ये देखो ये देखो, मैं कह रहा था ना प्रैंक था ये, उन्नति का बचिया था उसका था और मेरे ऊपर ले लिया सारा मैंने, और इसके साथ किया प्रैंक। जब भी मैं सोचूं कि पहली बार ऐसा हो रहा हो कि कुछ चीजें इनको पसंद आ रही हो, उनको खानी हो, मेरे लिए लिया है दिव्या के लिए है, बहुत 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 इमोशनल ड्रामा का मजा आया ना। और गाइस इधर चल रही है शॉट, शॉट की तैयारी, शॉट बना रही है।